सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबको और कैसे हो आप सब। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो इफ़ यू वांट। हाँ मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब तो भैया कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको पसंद आया चैनल तो यार सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टोरी का पता ही होगा कि भाई महक तो अपने ही चौड़ में अजब ही गजब ढाई पड़ी है, उनका अलग ही टशन है। तो शहरिश और सब मूवी देखने आए हैं। हमें तो यार हमें टिकट भी मुश्किल से मिलती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होते यार, होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बट यहाँ पे सारा सारा यहाँ पे तो महक के पसंद की मूवी लग रही है। चलो भाई पैसा, भाई पैसा कुछ भी करा सकता है। तो महक कहती है कि मेरी पसंद की मूवी लगनी चाहिए, अब इमरान हाशमी वाली मूवी ना लगवा देना, फिजूल का खर्च पड़ जाएगा। तो मैं कहती कि मेरी पसंद की मूवी लगवा देना। उसके बाद वो अल्कोहल ऑर्डर करती है। ओह शिट, मुझे नहीं पता था वैसे लड़कियों को क्या, लड़कों किसी को भी शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदी चीज़ होती है। बट महक को कौन समझाए, मैं क्या बोल सकती हूँ उसकी लाइफ। तो बट यहाँ तक मैं अपने ऑडियंस को ज़रूर बोल सकती हूँ यार शराब वराब मत पीना, गिर पिट जाओगे कहीं, मर वर जाओगे, फिर ना क्या ना मेरी वीडियोस कौन देखेगा। तो शराब से दूर रहो और सबको रहने भी दो। तो क्या होता है कि मारवी कहती है कि आपने शराब पीना है, आपने शराब ऑर्डर किया। तो मैं कहती हूँ हाँ। तो शहरिश महक मारवी कान में बोलती है कि इसने शराब क्यों मंगवाया हुआ है, मैं कोई शराब वराब नहीं पी रही हूँ, ठीक है। तो मारवी में थोड़ी शॉर्ट होती है कि मतलब उससे ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि अब मतलब मूवी देखने आया है यार और ये शराब मंगा के बैठी है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, सुन क्या रही हूँ मैं, बहुत क्या मैं बोलूँ, छोड़ो मुझे नहीं बोला कुछ। तो मतलब कि मारवी भी शॉक्ड होती है। तो मारवी मैं कहती हूँ मुझे पीने का मन था तो अब पियो, क्या कह सकते हैं। तो मारवी और तीनों मतलब शहरिश वगैरह, मतलब शहरिश को समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ सीन क्या चल रहा है, इतने शराब क्यों पीना। तो शहरिश कुछ बोलती कहती चलो सही है, अमीर लोग बड़े बड़े शौक। तो उसके बाद शहरिश और तीनों मतलब चले जाते हैं थिएटर में, मूवी स्टार्ट होती है तभी वो बंदा लेके आ जाता है, मतलब उन्होंने पॉपकॉर्न तो ऑर्डर किया होता है और कोल्ड ड्रिंक्स और अपने लिए मदिरा। तो पीती है महक मतलब शराब पी रही होती है और मूवीज देख रही होती है। तो मूवी देख रही होती है, शराब पी रही होती है, यही चल रहा होता है। मैं मारवी भी यही कर रही होती है, वो पी नहीं रही होती है, वो मूवी देख रही होती है। बहुत शरीफ बंदी है बेचारी, ये सब नहीं करती। तो मारवी देखती है कि महक शराब पिए जा रही होती है, तो मारवी उसका हाथ पकड़ लेती है। शेरिश नोट करती है वो शराब पीने के लिए हाथ नहीं पकड़ती, रोमांटिक हो रही होती है उसलिए हाथ पकड़ती है। तो फिर अपनी सारी बॉटल ख़त्म कर देती है महक, तो मूवी भी ख़त्म हो जाती है और कोई रोमांस नहीं होता। थिएटर में सोचना भी मत, मैं शेरिश भी साथ है, ठीक है। तो हाँ मतलब कुछ लोग सोचे होते होंगे ना कि अब ये लोग थिएटर में जाएंगे, किस विस करेंगे, मैं सुनूंगा, मज़ा आएगा, तो यार कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस वो शराब पी रही है, ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब ना देखा करूँ। तो क्या होता है कि मतलब मूवी देख के चले जाते हैं। तो अभी क्या होता है यहाँ पे सीन क्या चल रहा है कि महक कार चलाने वाली है, टैलेंट देख रहा है महक का, मतलब कार चलाने वाली है। तो अब महक के मतलब यार देखो महक में टैलेंट है, आप में ना हो तो बेहतर है, शराब पी के कार मत चलाना, सबसे पहले तो शराब मत पीना, ठीक है। तो वो कार चलाती है, तो वो कार अच्छे से चला लेती है, पक्का बेवड़ी थी इसलिए कार अच्छे से चला लेती है शराब पीने के बावजूद। तो शहर मतलब पहले वो शहरिश को घर पे छोड़ देती है, उसके बाद वो मारवी के घर के लिए निकल जाती है। तो मारवी के घर पे पहुंचती है और मारवी को भी घर पे छोड़ देती है। तो वैसे मारवी को पता होता है कि उसकी महक बेवड़ी है, नशेड़ी पीती रहती है, तो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये तो मुझे पहली बार पता चला कि ये महक पीती है। चलो सुहाग की मेहरबानी क्या कह सकते हैं। तो
वो मतलब शहर इसको मतलब छोड़ने के बाद मार्वी के घर पे पहुंच जाती है। उसके बाद वो दोनों रोड पे खड़े के एक दूसरे को किस कर रहते हैं। वो तो और उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि मार्वी की मॉम देख लेती है उन्हें किस करते हैं। और वो दोनों तो अपने ही नशे में चलो करते हैं कैश। मतलब यार रोड पे ना क्या करो, इतनी इतनी डेवलप कंट्री नहीं है हमारी, ठीक है। घर वाले तो देखेंगे नहीं, पड़ोसी देखेंगे तो भी घर वालों को बता देंगे। घर वाली सुताई अलग करेंगे और पड़ोसी जो ताना मारेंगे वो अलग। तो यार रोड पे ये हरकतें ना किया करो, ठीक है, इतना ही बोलूँगी मैं। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए रोड पे। तो क्या मैं ज्ञान दे रही हूँ कब से? तो मतलब अभी क्या होता है, मारवी की मॉम देख लेती हैं। और महक मतलब महक क्या होता है कि महक तो पी हुई होती है, तो मारवी उसको बाय बोल के चली जाती है अंदर। और मारवी की मॉम भी गुस्से से देखते हुए कि उनकी बेटी किस कर रही है और इतनी अच्छे से कर रही है, ये देखते हुए गुस्से से चली जाती है। तो मतलब मारवी ये जाने से पहले महक को बोलती है कि महक देखो नशे में हो, अच्छे से गाड़ी चलाना। तो महक कहती है जाना बेफिक्र रहो, मैं पक्की वाली नशेड़ी हूँ, मैं अच्छे से गाड़ी चला लूँगी, आप टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, मैं चली जाऊँगी। तो मारवी इतना कहने के बाद अंदर चली जाती है और महक अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो अपने घर पहुँचती है, टेंशन मत लो, एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छे से कार चला लेंगे, वो हो रहा हो तो पहले ही हो जाता। तो कार चला के तो घर पे पहुंच जाती है और अपने सीधा रूम में चली जाती है और लेटी हुई होती है वहाँ पे। तो उसकी मॉम आती है, क्योंकि वो रोज़ ऑफिस से आती है तो अपने मॉम के पास ज़रूर आती है। तो आज नहीं आती, तो उसकी मॉम खुद आ जाती है। तो जब आती है तो देखती है कि महक लेटी हुई है। तो वो महक के पास आती है, कहती क्या हो गया बेटा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, ऐसी क्यों लेटी हो चुप हो क्या? तो महक कहती है कि नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मॉम कहती है तुमने ड्रिंक किया ना, यहाँ तक स्मेल आ रही है। तो महक कहती है कि जी मॉम की है। तो उसकी मॉम थोड़ी नाराज़ होते हुए कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये सब नहीं करना चाहिए, और तुम ड्रिंक कर रही हो, ये तो गलत बात है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? तो मैं कहती है कि मॉम आप टेंशन मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, बस मेरा मन कर रहा था तो मैंने कर लिया, सॉरी। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना खाते हैं सब साथ में बैठ के। तो मैं कहती है ठीक है आप जाओ, मैं बस फ्रेश होकर नीचे आ रही हूँ। तो उसके बाद वो फ्रेश होती है और नीचे आती है, तो देखती है सब उसका वेट कर रहे होते हैं। तो नीचे जाती है, खाना खाने लगती है खामोशी से बैठ के। तो सब बोलते हैं कि मतलब सब नोट करते हैं कि मैं कुछ बोलने नहीं होती है, बस अपने खाना खाने पे ध्यान दे रही होती है। तो सब पूछते हैं क्या हो गया मैं, आप ही आपकी तबीयत ठीक तो है ना, कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो मैं कहती है बस मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो सब कहते हो कि ठीक है। तो फिर वो लोग मतलब सब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मारवी का भी मतलब यही सेम चल रहा था, मारवी की मॉम ने देख लिया होता। तो मारवी बैठ के खाना खा रही होती है। तो मारवी की मॉम डैड मारवी होती है उसकी छोटी बहन। तो उसकी मॉम कहती है कि अपने शौहर से, मारवी के डैड से, पति से, मारवी के अब्बा से। तो कहती हैं कि मारवी भी अब बड़ी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आदिल भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना मारवी की शादी आदिल के साथ करा दूँ। मारवी भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है, उसकी उम्र हो गई है शादी की। तो मारवी इतना सुनने के बाद गुस्सा होकर बोलती है अपने पापा से कि डैडी ने समझा दीजिए, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी अभी, और आदिल से तो बिल्कुल नहीं करनी, वो मुझे इतना सा भी नहीं पसंद है। और ऐसा कह के खाना खाए बिना वहाँ से उठ के चली जाती है। तो मारवी के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि जब इसे आदिल पसंद नहीं है तो हम इसकी शादी कैसे करा सकते हैं? तो उसकी मॉम कहती है क्या ज़िंदगी भर हम यहीं पे बैठा रहेंगे क्या मारवी को? और वैसे भी आदिल अच्छा लड़का है, उसकी अपनी खुद की मतलब अपना खुद का काम करता है, उसका खुद का है वो और अपना भी है। तो मैं सोच रही थी इसलिए, मैं उसका बुरा थोड़ी ना सोच रही हूँ। तो वो बोलती है कि मतलब आदिल वैसे भी उसको पसंद करता है और हम उसे जानते भी हैं अच्छे से, तो आप मैं वैसे भी उसका बुरा नहीं चाहूँगी, तो आप सोच लें। तो उसके डैड मान जाते हैं। तो बट वो कहते हैं कि लेकिन मारवी को कौन मनाएगा? तो उसकी मॉम कहती है आप मनाएंगे और कौन मनाएगा, वैसे भी वो आपकी से इतना प्यार करती है, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं टालेगी, आप अगर उसे मनाएंगे तो वो मान जाएगी, आप चाहे उसे मनाएं। तो उसके डैड उठते हैं और उसके लिए खाना निकाल के लेके जाने लगते हैं। तो फिर डोर मतलब बंद होता है, तो बोलते हैं कि मारवी बेटा दरवाज़ा खोलो। तो मारवी कहती है कि
मतलब नहीं बाबू, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाएं प्लीज़। तो बोलते एक बार दरवाज़ा तो खोलो प्लीज़ बेटा। तो फिर मारवी दरवाज़ा खोल देती है, तो उसके बाबा अंदर आते हैं और उसके पास बैठते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम सही तो कह रही है मारवी, देखो तुम हमेशा तो हमारे घर पर नहीं रह सकते ना, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तुम्हें शादी मतलब तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी है, तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो। तो मारवी कहती है पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि क्यों नहीं करनी है शादी, अच्छा तुम्हें अगर कोई पसंद है तो बता दो हम उसी से करा देंगे, वैसे भी तुम्हारी पसंद होगी तो फिर अच्छी होगी ना, तो बताओ तुम्हें कोई पसंद है तो हम उसी से बात करते हैं। तो मारवी कहती है कि नहीं पापा मुझे कोई नहीं पसंद है, मुझे शादी नहीं करनी है और आदिल से तो बिल्कुल नहीं करनी है, पापा आदिल के बारे में तो सोचना भी मत यार, मैं आदिल से कभी शादी नहीं करूँगी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा पर शादी क्यों नहीं कर रही। तो वो कहती है पापा मुझे नहीं करनी और प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से बात नहीं करनी और शादी का तो सोचिएगा भी मत। तो उसके डैड चले जाते हैं, मतलब मारवी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। तो मारवी रोने लगती है बैठ के और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। तो उसके बाद मतलब वो सोच रही होती है और अपने में ही बात कर रही होती है, वो कहती है कि मैं महक से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरी खुद की फैमिली भी अलग नहीं कर सकती, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर वो सोचती है कि मैं महक को अभी कुछ नहीं बोलूँगी, महक अभी टेंशन ले लेगी, जब कल मिलेंगे तो डायरेक्ट बात करेंगे मिल के। उसके बाद तभी महक की कॉल आने लगती है, तो वो फिर अब जल्दी से अपने आंसू वगैरह साफ़ करती है और महक से बात करने लगती है। तो महक कहती है हेलो मारवी क्या हो गया, इतना देर लगा दिया और आज तो आपने एक बार भी कॉल भी नहीं किया, क्या हुआ सब ठीक तो है, आप ठीक तो हो ना। तो मारवी इस अपने फेस पे स्माइल आती है, कहती है रिलैक्स रिलैक्स मैं ठीक हूँ मुझे क्या होना। तो महक कहती है नहीं आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आप ठीक नहीं हो। तो मैं कहती है कि क्या हुआ बताओ ना मुझे क्या बात हो गई, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। तो मारवी बात बदलते हुए कहती है कि आपने खाना खा लिया। तो मैं कहती है कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ी खाया। तो मैं मारवी से पूछती है कि आपने खाना खा लिया, तो मारवी कहती है नहीं मैंने भी नहीं खाया भूख नहीं है मुझे। तो मैं कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आज आप मेरे घर पे आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो क्या आप मेरे घर पे आ सकती हो। तो मारवी कहती है क्या हुआ तबीयत ठीक है आपकी, क्या हो क्या है कुछ हुआ है क्या। तो मैं कहती हूँ बस आप आ जाओ यहाँ पे, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है आप बताओ, आप ड्राइवर को भेज दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आ जाऊंगी उसके साथ। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं खुद लेने आऊंगी आपको। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है आ जाओ लेने, बट आराम से आना सही से अपना ख्याल रखते हुए। तो मैं कहती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसके बाद महक नीचे जाती है चेंज करके और अपने मॉम से कहती है कि मॉम मैं खाला की तरफ जा रही हूँ आपने चलना है मेरे साथ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है रुको मैं 5 मिनट में थोड़ा सा चेंज कर लूँ फिर मैं भी चलती हूँ खाला की तरफ। तो मतलब कि मैं कहते हैं ठीक है मॉम मैं नीचे कार में हूँ आप जल्दी से आ जाओ, फ्रेश होके रेडी होके जो भी करना है जल्दी से आ जाओ, मैं कार में आपके वेट कर रही हूँ। उसके बाद महक मतलब कि संजय को आवाज़ लगाती है तो वो नहीं होता, तो करण बोलते हैं कि मैम वो जल्दी चला गया, आपको जो भी चाहिए होगा जो भी लाना होगा मुझे बता दो मैं ला देता हूँ। तो मैं कहती है कि नहीं कुछ लाना वाना नहीं है, तुम बस कार बाहर निकाल के कीज़ मुझे दे दो, मुझे कहीं जाना है। तो उसके बाद वो कार में बैठ के अपने मोम का वेट कर रही होती है, उसकी मोम आती है तो देखती है कि उस मतलब महक कार चला रही होती है, तो वह हैरानी से पूछती है कि महक बेटा सब ठीक तो है, आप कार क्यों चला रहे हो, संजय कहाँ है। तो बोलती कि संजय तो नहीं है, तो बोलती करण से बोल देती वो कार चला लेती आप क्यों चला रही हो। तो महक कहती है कि मॉम मारवी भी हमारे साथ आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा लेट हो जाएगा और क्यों परेशान करना, करण वैसे भी काफ़ी थका होता है सारा दिन तो काम करते रहते हैं तो थोड़ा आराम कर ले। और तो उसकी मॉम शॉक होकर कहती है मारवी हमारे साथ आएगी। तो महक कहती है जी हाँ मारवी हमारे साथ ही आएगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है चलो, तो अब कहानी यही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि मैं कल पोस्ट करूँगी। और ऐसे अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और कमेंट कर देना अच्छे की स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। और थक गई हूँ यार बोलते बोलते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।